जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिरेन हरियाणी है। आप देख रहे हैं लाइव साउंड ट्यूटोरियल। आज हम तीन ऐसे वोकल माइक को कंपेयर करेंगे जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही लोग उसको चाहते हैं। उसको हम देखेंगे कि कैसे इसको कंपेयर करना है। तीनों माइक एक है अपना श्योर SM58, एक है अपना सेनाइजर का E835 और एक है JTS का TK600। देखिए तीनों माइक का यूज वोकल में किया जाता है। देखिए तीनों माइक तबला में भी दिए जा सकते हैं, सैक्सोफोन में भी दिए जा सकते हैं। तीनों माइक को हम गाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी काफी जगह पे इसका यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट में भी होता है और सिंगर में भी होता है। मेरे जो उसमें मेरा जो अनुभव है वो गाने का है। मैं तीनों माइक में मैं गा चुका हूं, तीनों माइक में मैं गा चुका हूं, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम तीनों की कीमत को कंपेयर करते हैं। तो जैसे सबसे जो फेमस माइक है अपना श्योर SM58, मैं अभी देख पा रहा हूं उसकी कीमत 10,000 के आसपास है, 10,300 10,000 के आसपास है। और अगर हम JTS TK600 को हम देखें तो उसकी कीमत भी 2,200 रुपए है। और सेनाइजर की कीमत हम अगर देखें तो 8,000 8,500 के आसपास इसकी कीमत है। यानी तीनों माइक में एक कीमत में एक बहुत बड़ा फर्क है। JTS TK600 वो जितना है उससे डबल से भी ज्यादा में आपको सेनाइजर E835 मिलता है और उससे भी 2,000-3,000 ज्यादा डाल के आपको SM58 मिलता है। SM58 जब मैंने गाया, मैं यूज किया, एक्सट्रीम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, इसमें कोई मुझे शंका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो करीब करीब मेरे पास, मेरे जब साउंड सिस्टम का बिजनेस रेंटल का करता भी हूँ, पहले करता भी था, 20 साल से मेरा बिजनेस है, तो उसमें 10-12 साल पहले लिया हुआ SM58 भी बढ़िया काम करता है। हाँ, अगर उसको गिराया है बुरी तरह से आपने तो कोई भी माइक बिगड़ सकता है। ठीक वैसे ही E835 को भी 10 साल पुराना मेरे पास है, वो भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। और अभी JTS भी मेरे पास 6-7 साल पुराना है, वो भी बढ़िया काम कर रहा है। यानी कि तीनों माइक की स्ट्रेंथ एकदम बढ़िया है। अभी क्वालिटी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो SM58 में ऊपर की HF जो भी है शार्प में, यानी सी सू सा सी चा चू ची चू, एज ये जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है जब गाने में आती है, स ज च ज ट, ऐसा जब लोग बोलते हैं तो वो थोड़ी सी ऊपर की उसमें मुझे HF नहीं मिल पा रही है और एकदम लो नीचे का भी थोड़ा मुझे उसमें लैकिंग लगा। और मिड उसकी बहुत प्रॉम्प्ट है, थोड़ा उसका गेन ज्यादा देना पड़ता है और उसको हम जब गाते हैं तो बहुत होंठों से या मुंह से नजदीक लेके उसको सारा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा देता है। अभी माइक टू में जाते हैं। माइक टू हम ले रहे हैं सेनेजर का E835। उसमें हमें HF बहुत ही खूबसूरत मिलती है। इसमें हमें स्विच मिल जाती है, SM58 में स्विच नहीं है, विद स्विच भी आता है लेकिन ज्यादातर इंडिया में विदाउट स्विच यूज किया जाता है। साइलेंट यानी स्विच ऑन स्विच ऑफ करते तो खट खट ऐसे आवाज नहीं आती, साइलेंट स्विच इसमें बनाया गया है सेनाइजर का। लेकिन ज्यादातर सेनाइजर माइक की स्विच को बिगड़ने का प्रॉब्लम हमने देखा है, आपने भी फेस किया होगा, वो बिगड़ जाती है। लेकिन इसमें HF बहुत ही खूबसूरत आता है, मीड भी बहुत ही बढ़िया आती है, लो में कुछ गड़बड़ हो जाती है, लो में कुछ मजा नहीं आता इस माइक में। और अगर हम सेम माइक को देखें JTS TK600 को, कीमत उसकी 2,000 के आसपास है, इसमें विसलिंग का प्रॉब्लम बहुत कम होता है, तीनों माइक में कम होता है, लेकिन ये विसलिंग कम करती है, स्विच भी उसकी अच्छी है, बेस उसका बहुत ही बढ़िया आता है, तबले में दीजिए या गाने में उसका बेस भी बढ़िया आता है। सेम शार्प उसकी थोड़ी सी कट होती है और कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी उसमें ऐसे कट की गई है कि जैसे विसलिंग उसमें ना हो, और स्ट्रेंथ भी उसकी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप
तीनों माइक लेना है आपको, तो एक तो इसका अलग अलग उपयोग है। अगर आप किसी मेल सिंगर को टारगेट करके माइक लेना चाहते हैं तो आप SM58 भी ले सकते हैं और JTS भी ले सकते हैं। और अगर मेल सिंगर में शार्प कम है तो आप E835 सेनाइजर को भी ले सकते हैं। और फीमेल सिंगर के लिए मैं पक्का आपको बोल दूं कि सबसे सूटेबल माइक यही है अपना सेनाइजर का E835, जिसमें आपको शार्प बहुत ही अच्छी मिलेगी। और तीनों की कीमत को अगर हम समझें और स्ट्रेंथ को समझें तो सबसे बढ़िया और वैल्यू फॉर मनी जो है वो JTS का TK600 है। स्विच भी है, अच्छा भी है, सस्ता भी है। और यहाँ पे कभी मैंने काफ़ी यहाँ पे मैं शो देखता हूँ, लाइव शो जो भी यहाँ पे हैं जो यूट्यूब में वगैरह, तो काफ़ी अच्छे सिंगर उसको यूज़ करते हैं। SM58 बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रेंथ की तो बात ही उसकी बात पूछो। अब SM58 देखे कोई ये नहीं बोलेगा कि मज़ा नहीं आया, लेकिन तीनों माइक में नज़दीक से गाना ही पड़ता है। तीनों ऑब्वियसली कार्डियोड पैटर्न में बने हुए माइक है। लेकिन मुझे अगर पक्का बोलना हो कि आपको कौन सा माइक लेना चाहिए तो मैं JTS को बोलूंगा आप लीजिए। और अगर आपको कोई ब्रांड में जाना है, अच्छी ब्रांड में जाना है, तो श्योर सेनाइजर को भी आप पसंद कर सकते हैं। तो ये तीनों माइक की कंपैरिजन हमने आज देखी कि तीनों माइक कैसे काम करते हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या कीमत है और उसका प्लस और माइनस पॉइंट क्या है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। भारत माता की जय।